जो किया है ना उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। ये तो बस शुरुआत है, देखना क्या हाल करती हूं मैं आपका और आपके उस जवान पति का। जगराता करने का बहुत शौक है ना, तो करो। मुझे कोई सबूत मिल जाए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि गुड्डू को वाकई निशेदिश ने मारा। सबूत मिलेगा कहां पे? यहां से शुरू कर दो। जब लाइट चली गई थी उसके पहले मैंने गुड्डू को काफी कुछ सुनाया था। इसके बाकी का वीडियो कहाँ है? शायद से वीडियो कॉल कट गया होगा। कैसे साबित करूंगा अपनी बेगुनाही? कैसे सबको बताऊंगा कि गुड्डू को क्षितिज ने मारा है? कैसे कहूंगा ये सब मैं? कैसे करूंगा?
इसके बाद मैं आर्या, वेदिका जी, मेरे परिवार और पुलिस को यह साबित कर दूंगा कि गुड्डू को वाकई में क्षितिज ने मारा। थैंक यू माता रानी, अब मैं अपनी बेटी की जान बचा सकता हूँ, उस कमीने के चुंगल से आर्य को निकाल सकता हूँ, और अब मेरा ये भाई जेल जाएगा, उसको अपने की एक सजा मिलेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं। तू बचेगा नहीं साले, आ रहा हूं मैं। आज वेदिका जी की टेंशन खत्म हो जाएगी, ये रिकॉर्डिंग देखकर आर्या की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, उसे यकीन हो जाएगा कि मैं बेगुनाह हूं और वेदिका जी गलत नहीं है। इस लैपटॉप के प्रूफ को देख के हमारी आर्या को क्षितिज की असलियत पता चल जाएगी और फिर वो उसे छोड़ देगी। मेरा छोटा पैकेट फिर से अपने साहिल पापा के पास आ जाएगी। आज रात सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ कि तू मुझे इस घर के बाहर ही मिल गया क्षितिज अस्थाना, बड़ी अम्मा का बेटा होगा तू, लेकिन अब तुझे इस घर में एंट्री कभी नहीं मिलेगी। साले कमीने, आर्या को गुमराह कर रहा है, गुड्डू को मार दिया तूने। लेकिन एक बात याद रखना, जब अग्रवाल खानदान साथ आता है ना, तो कोई भी मुसीबत उन्हें नहीं हरा सकती। वैसे मुझे लग रहा है तेरा टाइम आ गया है, तो गिनती शुरू कर दे यहां से निकलने की। क्या कर रहे हो साहिल? साहिल मुझे क्यों मार रहे हो? साहिल 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 मत मारो मुझे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। साहिल वेदिका जी की बेटी के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? पहले गुड्डू को और अब मुझे क्या? साहिल साले कमीना, नाटक करना बंद कर और आर्या का नाम मत लेना। धोखे से शादी क्यों तूने आर्या से? आर्या से दूर रहना, समझा? वो मेरी बेटी है, मेरी और वेदिका जी की बेटी। धोखे से शादी की तूने? धोखे से शादी? नाटक कर रहा है ये? नाटक कर, पागल हो गया ये? सहेली क्या कर रहे हो तुम? आर्या को फिर से विधवा बनाना है क्या? आर्या मेरी बात सुन, अगर लाइफ में कभी भी तूने अपने दिल से मुझे साहिल पापा माना तो मेरी बात ध्यान से सुन, यकीन कर मैं बेगुनाह हूं। इस कमीने ने मारे गुट्टू को, इस कमीने ने। सबूत है मेरे पास। देखा तुमने? देखा? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारे साहिल पापा ने कुछ नहीं किया है। बेगुनाह है साहिल, और ये इंसान
जिससे तुमने शादी कर ली है ये तुम्हारे पति का असली कातिल है। देखा? वाह, अमेजिंग, ये बाप है आप। तुझको बचाने के लिए अपनी बेटी के पति पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? मेरी पहली शादी उजाड़ कर मन नहीं भरा आपका, जो मेरे दूसरे पति को भी मारना चाहते हैं। मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना आपसे? क्यों? सौतेली हूं इसलिए? मतलब यहां अगर मेरी शादी टूट भी जाती है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब अपनी बच्चों की खुशी के लिए उनका जुर्म अपने सर पर ले लेते हैं, पर यहाँ शर्म आ रही है मुझे कि मैंने आपको कहा मेरा पापा कह दिया। पहले तो मुझसे सच छुपाया आपने और फिर ये सब मेरे गुड्डू की रिकॉर्डिंग में बदल दी। क्या साबित करना चाहते हैं आप? अरे आप इतनी हद तक गिर जाएंगे ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आर्या क्या कह रही हो तुम? साहिल पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो? क्यों? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, यही आपके पति की असलियत है वेदिका अग्रवाल। यहाँ सबूत दिखाया ना तुम्हें साहिल ने, तो क्यों उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही हो? सबूत? चेहरा तक नहीं दिख रहा है इस वीडियो में। अरे ये तो कोई भी आदमी हो सकता है, और ऐसी वीडियोस आजकल बन जाती है कंप्यूटर में, आपको क्या लगा मुझे नहीं पता होगा? और अगर यही सच है ना, तो कोई ऐसे वीडियो आप लेकर आओ जहां पे क्षितिज का चेहरा दिख रहा हो। है ऐसा कोई वीडियो? दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, बताओ है कोई ऐसा? अरे आज तुम्हारे माँ बाप हैं हम, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे? अगर साहिल कह रहा है कि ये सच है तो यकीन करो उसकी बात पर कि यही सच है। इस आदमी पर यकीन कर रही हो? अंधी हो गई हो तुम इस आदमी को लेकर? नशे में हो कि पता नहीं क्या पिलाया इसने तुम्हें? ऊपर से बदतमीजी कर रही हो, यही सिखाया है मेरा? मैं तो अब आपको अपनी हद दिखा रही हूँ। नहीं जानती ना क्या क्या कर सकती हूँ मैं, तो देखिए। अपने खूनी पति का साथ देंगी आप? उनका साथ देंगी आप? इनको बदला लेकर रहूंगी मैं, बदला लेकिन लेकर रहूंगी मैं, लेकर रहूंगी मैं। छोड़ो मेरी बेटी को, हाथ मत लगाना उसे। अरे अब तुम काफी कमजोर लग रही हो, चलो अंदर चल के आराम करते। माँ इसे अंदर ले चलिए। हाँ बेटा। बदला लेकर रहूंगी मैं आपसे, नहीं जाने दूंगी ऐसे मेरे पति को। कहाँ गए तुम दोनों? देख लेना, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को ऐसे।
गुड्डू की रिकॉर्डिंग में बदल दी, क्या साबित करना चाहते हैं आप? अरे आप इतनी हद तक गिर जाएंगे ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच नहीं देखना चाहती है तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम इतने परेशान मत हो, हमारा के माँ बाप है और हम बच्चों के लिए जितना दर्द सहे उतना कम है वेदिका जी। अब मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। मैं बस सारे को वो कमीने के चुंगल से निकालना चाहता हूँ वेदिका जी, और इसके लिए मुझे जो कुछ करना है वो मैं करूंगा, कोशिश करते रहूंगा मैं। नहीं, मैं ये नहीं देख सकती हूँ। तुमने आर्या को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार किया है और वो तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी कर रही है। एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को उसके पापा के साथ ऐसा सलूक नहीं करने दूंगी। इट्स ओके रश्मि, इट्स कंप्लीटली फाइन। आर्या को जिस तरह मेरे साथ सलूक करना है करने दीजिए वेदिका जी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। और आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आर्या मेरी बेटी जैसी नहीं है, मेरी बेटी है वेदिका जी। ए बड़ी सुन, अरे हो क्या रहा है इस घर में, है? बौखला गए हैं क्या तेरे दोनों बेटे? एक तो खून कर कर बैठा है और दूसरा खून का प्यासा बदला लेने पर उतारू है। अरे दुश्मनी तुझ से है लेकिन निशाने पर पूरा परिवार है, अब तू मौन व्रत रख कर बैठी है, तमाशा देख रही है बस। अरे कुछ करती का ही नहीं है, है? कहाँ गया बिमला अग्रवाल, बड़ी अम्मा का रौब, है? बस गई क्या अपने दोनों बेटों के सामने तेरी हेकड़ी? अरे वो सितिज, अरे देखता तक नहीं है वो तुझे, इतनी नफरत करता है तुझसे, कुछ कहती का ही नहीं तू उसे, है? चुप, एकदम चुप। तू होती कौन है हमसे सवाल करने वाली, हाँ? अरे जरा सी हमने नरमी क्या दिखा दी तू बिमला अग्रवाल की बराबरी करने लगी। ये मत भूल कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, तेरी बेटी और उसकी बेटी की वजह से हो रहा है। हाँ, हमारे जो दोनों बेटे भिड़ रहे हैं ना, उन दोनों की वजह से भिड़ रहे हैं। पहले तो वेदिका, विधवा अधेड़ उम्र की औरत, उसने हमारे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया, उससे शादी करके अपनी बेटी के साथ धमक गई हमारे घर में, और अब वो आर्या तेरी नातिन वो गुल खिला रही है। अरे उसने भी पहले पुनीश को फंसाया, फिर हमारे सगे बेटे क्षितिज से शादी करके इस घर की बड़ी बहू बन बैठी। इतने सालों बाद हमारा बेटा हमको मिला था और उस आर्या के जंजाल में फंस गया। मनहूस है तेरी बेटी और तेरी नातिन, तबाह करके रखा है हमारे घर को, सुख शांति छीन लिए तेरी बेटी ने। नहीं बड़ी, अरे जबान को लगाम दे, जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब तेरे कांड के कारण, और तू इल्जाम हमारी बेटी और हमारी नातिन पर लगा रही। अरे शर्म ना आती है तुझे? हम तो सिर्फ तुझे समझाने आए थे कि तू कुछ तो कर, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है सब गलत है। आहा, तू होती कौन है समझाने वाली हमको, बता। ये मत भूल कि मुख की रोटी खा रही है हमारे घर में और हिम्मत देखो हमें ज्ञान दे रही है। कौन ऐसी स्वाभिमानी माँ होगी जो अपनी बेटी के घर में आकर पसर जाएगी? और हिम्मत देखो, जा जाके अपनी बेटी और अपनी नातिन को संभाल, क्योंकि हम दोनों को पक्षेंगे नहीं, हाल करेंगे दोनों का, हाल करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगी दोनों।